जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर में नक्सलियों पर बड़ा हमला, बड़ा प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर कर दिए, लेकिन 8 से ज्यादा ये संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ में एक जवान की शहादत की भी खबर है। सुरक्षा बलों का इस सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 900 से ज्यादा जवान शामिल है। अबूझमाड़ के इलाके में 3 से 4 दिनों का ये माना जा रहा है घटनाक्रम। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है ये अबूझमाड़, और नक्सलियों की हुकूमत वाला इलाका है अबूझमाड़, जहां ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक जवान के शहीद होने की खबर है, कुछ जवान घायल भी हो सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और 900 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। माना जा रहा है 900 से 1200-1300 जवान इस ऑपरेशन में हो सकते हैं। इसमें DRG की टीम है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स उसमें शामिल है, STF के जवान इसमें हैं। सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। क्या घटनाक्रम है, उनसे और अपडेट ले लेते हैं। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? जी ललित, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अबूझमाड़ के जंगल में 4 जिलों की जो फोर्स है वो लगातार वहां पर सर्चिंग अभियान जारी रखे हुए हैं, आज जो है सुबह नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें जो है नक्सलियों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 8 नक्सली मार गिराए हैं। तो वहीं जो है एक जवान के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, और अभी भी जो है मुठभेड़ वहां पर जारी है। सर्चिंग अभियान को वहां पर तेज कर दिया गया है, और चारों तरफ से जो 900 से अधिक जवान हैं उन्होंने नक्सलियों को घेर रखा है, और ये जो अबूझमाड़ का इलाका है उसे जो नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं, और वहीं से बैठकर जो है अपने लाल आतंक को फैलाने का कार्य करते हैं। तो उस मांद में जो है अब जवान घुस गए हैं, और अभी मुठभेड़ जारी है, और जब तक जवान वहां से सर्चिंग पार्टी बाहर नहीं निकलेगी तब तक पूरी स्पष्ट जानकारियां निकल कर सामने नहीं आएगी। लेकिन अभी तक जो अपडेट है उसमें 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 1 जवान के शहीद होने की खबर निकल कर सामने आई है। जी इसके अलावा 7 दिन पहले का एक घटनाक्रम, इसमें भी मेरा ख्याल है 7 नक्सली ढेर किए गए थे, एक तो इसमें से 800,000 का इनामी था। इस तरह से ये आंकड़ा देखा जाए तो 150 के पार इस पूरे ऑपरेशन में अब तक नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। खेम नारायण जी, बिल्कुल, 4 महीनों से जो जिस प्रकार से सर्चिंग अभियान अबूझमाड़ के जो जंगल है वहां पर चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले बात करें लोकसभा चुनाव से पहले कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया था, उसके बाद से लगातार जो है बीजापुर अबूझमाड़ इन क्षेत्रों में जो है जवानों को बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं, और लगभग 150 के आसपास जो है बड़े छोटे नक्सली मार गिराए गए हैं, और पुलिस को इन 4 महीनों में बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी खेम नारायण विस्तार से जानकारी दे रहे थे, आगे भी उनके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और लगातार ये ऑपरेशन जारी है, इस बार खास ये बात ये भी है कि मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। अब रेत माफिया की बात करेंगे। बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है। मस्तूरी जनपद के भिलौनी में शिवनाथ नदी में रेत माफिया सक्रिय है। नदी में पोकलैन और JCB मशीन के जरिए धड़ल्ले से खनन हो रहा है। अदालतों के निर्देश के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके निर्देश हैं, इस वक्त खनन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके अवैध खनन का सिलसिला चल रहा है। NGT ने भी 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों में खनन पर रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके ये धड़ल्ले से जारी है। खनन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे सहयोगी उमेश जुड़े और फिर हम उनसे और ज्यादा जानकारी लें। तो धड़ल्ले से खनन का ये सिलसिला चल रहा है शिवनाथ नदी में, मस्तूरी जनपद के भिलौनी में शिवनाथ नदी, वहां की ये तस्वीरें। JCB के जरिए, पोकलैन मशीन के जरिए अवैध खनन, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अवैध परिवहन, लगातार ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है, NGT सख्त निर्देश दे चुका है, 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों में खनन पर रोक लगी रहती है। बावजूद उसके आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? धड़ल्ले से खनन चल रहा है, अब कमोबेश हर जगह यही स्थितियां हैं। उमेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिया है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए, तो
उसके बावजूद भी लगातार प्रदेश में अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके साथ ही एनजीटी ने भी 10 जून से 15 अक्टूबर तक के जो रेत खनन होते हैं, नदियों की जो खुदाई होती है, उस पर रोक लगा दिया है। बावजूद उसके ये देखा जा रहा है कि लगातार जो रेत माफिया है वो सक्रिय है, और न केवल रेत माफिया बल्कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो खनिज विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से ये पूरी अवैध उत्खनन को की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल बिलासपुर के मस्तूरी में भी जो शिवनाथ नदी है उसमें लगातार अवैध उत्खनन की जानकारी मिल रही है। ग्रामीण जो है भिलौनी के वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, बावजूद उसके उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर खुदाई की जा रही है, परिवहन किया जा रहा है अवैध तरीके से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखना ये होगा कि लगातार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, एनजीटी के सख्त निर्देश के बाद 10 से 15 अक्टूबर तक के जो अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा रही है उस पर किस तरीके से आगे एक्शन लेता है खनिज विभाग, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खनिज विभाग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी तरह के मामले, जैसा कि अभी जिक्र भी हमने किया था, उमेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कमोबेश यही स्थिति हर जगह है। कांकेर में भी धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खरथा घाट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेत का अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में माफिया रेत का खनन करते हैं, रातों रात उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जा लिया जाता है। और अब बात करेंगे बस्तर की। बस्तर में तेंदुपत्ते की तस्करी का खुलासा हुआ है, 24 बोरे से ज्यादा तेंदुपत्ता जब्त किया गया है, 8 मोटरसाइकिल समेत कई तस्कर पकड़े गए हैं। आंध्र और उड़ीसा की सीमा पर वन विभाग अलर्ट है, तेंदुपत्ते की तस्करी का खुलासा हुआ है, बस्तर से तेंदुपत्ते की तस्करी की जा रही है, 24 बोरे से ज्यादा तेंदुपत्ता जब्त किया गया है, 8 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और कई तस्करों को पकड़ा गया है। सीमा के किनारे में अवैध फड़ लगाया गया था तेंदुपत्ते का, और वो जैसे ही जानकारी मिल गई उसके बाद में हमारी टीम ने जाकर के जब्ती कार्रवाई किया है, अपने कब्जे में ले लिया, और इसमें टोटल 24.5 मानक बोरा तेंदुपत्ता था, उसको जब्ती कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है उड़ीसा प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुकमा एरिया में आकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके ले जाते हुए 8 मोटरसाइकिलों के। श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास क्या अपडेट तेंदुपत्ते की तस्करी मामले में? बस्तर के इलाकों में जो ग्रामीणों के जो आदिवासी ग्रामीण है उनका आय का प्रमुख साधन तेंदुपत्ता होता है, जिसे हरा सोना कहा जाता है, और इस हरे सोने की कीमत अभी प्रदेश सरकार ने 5500 रख दी है। लेकिन जो तस्कर है, जो अधिकांश जो तस्कर है वो गांजे की खेती, गांजे की तस्करी करते हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि जो तेंदुपत्ता उसकी तस्करी करने लगे हैं। इसकी शिकायत मिलने बाद जो वन विभाग का अमला जो बॉर्डर इलाके हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बीजापुर से लगा हुआ है, सुकमा जिला से लगा हुआ, इन इलाकों में टीम गठित कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद अवैध फड़ जो उड़ीसा के बॉर्डर पे अवैध फड़ लगाते हुए 8 मोटरसाइकिल को जब्त किया है, साथ ही अवैध फड़ को जब्त किया, इसके अलावा जो तस्कर है उनको भी पकड़ा है। तो कह सकते हैं कि तेंदुपत्ता की तस्करी करने में तस्कर गुरेज नहीं कर रहे, चूंकि ये इलाका पड़ोसी राज्य से लगा हुआ है, इसको लेकर वन विभाग बिल्कुल अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया कि किसी भी प्रकार का जो तेंदुपत्ता है इसकी तस्करी न की जाए। फिलहाल जो विभाग के जो अफसर है यही दावा कर रहे हैं कि हमने इलाके जो बॉर्डर इलाकों में सीज कर दिया है, विभाग को तैनात कर दिया, अब देखना होगा जो तस्कर है क्या ये इस प्रकार के तस्कर दोबारा कर पाते हैं। हाँ, ये पहली बार है कि जो तेंदुपत्ता तस्करी का मामला सामने आया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए।